बड़े अच्छे लग रहे हो। मैं अच्छी लग रही हूँ कि नहीं? हाँ, तुम्हें तो हमेशा अच्छी लगूंगी, कहानी जो सुनाती हूँ, है ना? चलो ठीक है, बैठो बैठो बैठो। आज मैं जो कहानी सुनाने वाली हूँ ना, वो है एक आलसी लड़के की कहानी। आलसी समझते हो ना, लेजी। हाँ वही। तो पता है, एक आलसी लड़का था, अच्छा खासा हष्ट पुष्ट, पूरा लंबा चौड़ा अच्छा, लेकिन था बहुत आलसी, काम करना ही नहीं चाहता था। अब क्या करता था वो, जो उसको पका पकाया मिल जाता वो खा लेता। उसके जो बेचारे फादर थे ना, वो अंधे थे, और माँ बेचारी वो कहीं से बर्तन मांजती थी, कहीं कुछ काम करती थी और खाना ला देती थी, लेकिन इकलौता लड़का था तो उसकी सारी भरपाई करते थे वो लोग और उसका पेट भरते थे, और वो आलसी होता जा रहा था। अब एक दिन क्या हुआ, माँ भी बीमार पड़ गई, और जैसे मैंने बताया कि पापा तो अंधे थे, तो माँ ने कहा कि जा बेटा तू ही कहीं से कुछ करके ला। अब वो निकला बाहर और सोचने लगा क्या करूँ, उसने तो कभी कुछ काम किया ही नहीं था, आलसी जो था। अब गया 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 तो बाहर जाके देखा, उसने एक ना साधु महात्मा बैठे हुए थे और वो जप कर रहे थे, राम 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 राम। तो बोलने लगा साधु जी से, साधु जी मेरी ना कुछ मदद कर दो, मेरी माँ ना बीमार है, मेरे पापा अंधे हैं और हम लोग बहुत गरीब हैं, हमारी कुछ मदद कर दो तो एक दिन के खाने का इंतज़ाम हो जाएगा। तो साधु बाबा ने उसको ऊपर से नीचे तक ऐसे देखा और नीचे से ऊपर तक ऐसे ऐसे देखने लगे कि अरे अच्छा खासा लड़का है और ये भीख क्यों मांग रहा है। तो फिर साधु बाबा ने कुछ सोचा और कहा कि अच्छा ये बताओ कि तुम्हें एक दिन का सुख चाहिए कि सारे दिन का सुख चाहिए। तो लड़का तो लालची था और आलसी था, तो उसने सोचा क्यों ना, ओहो हो, मैं कुछ ऐसा मांग लूँ कि मुझे कभी काम ही ना करना पड़े, माँ तो पता नहीं कल भी ठीक होगी कि नहीं। तो उसने कहा साधु महाराज जी मुझे तो ना बहुत दिन का आनंद चाहिए। तो साधु महाराज ने कहा ठीक है, तो एक काम करो, तुम अपना ना ये दायां हाथ है ना, ये मुझे दे दो काट के, तो मैं तुम्हें ना 5,000 रुपये दे दूंगा। अब लड़का, अरे ये कैसे, मैं अपना दायां हाथ क्यों दे दूं? अरे भाई तुमको कुछ चाहिए तो तुमको भी तो कुछ देना पड़ेगा ना, आज के ज़माने में ऐसा थोड़ी होता है, आज के क्या पिछले ज़माने में भी ऐसा नहीं होता था, कुछ दोगे तो कुछ मिलेगा, तो तुम अपना हाथ दे दो, मैं तुम्हें 5,000 रुपये दे देता हूँ। तो उसने कहा नहीं 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 साधु महाराज जी, ऐसा नहीं हो सकता है, 5,000 में क्या होगा, मैं नहीं दे सकता। कहता ठीक है, तुमको और ज़्यादा पैसे चाहिए? कहता हाँ और ज़्यादा चाहिए। तो उसने कहा एक काम करो, उधर ना एक धन्ना सेठ है, उनको ना 2 आँखें चाहिए उनके लड़के के लिए, तो तुम एक काम करो अपनी ये 2 आँखें निकाल के उनको दे देना और वो तुमको ना 25,000 रुपये दे देंगे। अब लड़का फिर सोच में पड़ गया कि अरे ये हाथ मांग रहे थे अब आँख मांगने लगे, हो क्या गया? नहीं 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 मैं अपनी आँखें नहीं दूंगा। अरे भाई तुम आँख भी नहीं देते हो, हाथ भी नहीं देते हो, कुछ चाहते हो और ज़्यादा पैसे चाहिए, तो एक काम करो तुम ना अपना पूरा का पूरा शरीर मुझे दे दो, या तुम अपने आप को मुझे दे दो और मैं तुमको 1,00,000 रुपया देता हूँ, तुम अपने माँ बाप को जाके दे आओ। अब लड़के ने कहा नहीं 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 साधु महाराज जी, मेरा हाथ भी बहुत कीमती है, मेरी आँखें भी बहुत कीमती है और मैं खुद भी बहुत कीमती हूँ, मैं आपको कुछ भी नहीं दूंगा। तो साधु महाराज ने कहा बेटा जब तुम जानते हो कि तुम्हारी सब चीज़ें इतनी कीमती है, तुम्हारे शरीर में तुम्हारी हाथ आँखें नाक कान जो तुम्हारे पास पूरी तरह से सब सुरक्षित हैं और भगवान ने तुमको इतना अच्छा बनाया, तो तुम फिर क्यों भीख मांग रहे हो? तुम जो चीज़ें तुम्हारे पास है उसी से कमाओ और आनंद पाओ, यही सच्चा सुख है। उस लड़की को समझ में आ गया और वो धन्यवाद कह के वहाँ से चला गया। तो इससे शिक्षा क्या मिलती है हम सबको, यही कि भगवान ने हमको पूरी तरह से सोच समझ के बनाया है, अच्छे हाथ दिए हैं, पांव आंखें नाक और सबसे बड़ा यहाँ दिमाग, तो दिमाग से सोचो और कर्म करो, मेहनत करो, आलसी मत रहो, अपना कर्म करो और अपनी रोजी रोटी कमाओ, खुद भी खाओ और अपने माँ बाप को भी खिलाओ।